कोई नहीं दोस्त, तुम एग्जाम से फ्री हो जाओ फिर बनाएंगे मस्त। अबे तू पागल है क्या? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस आज हम बनाने वाले हैं ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज का पार्ट 4 विद निशु। हाँ, लेकिन आज हम नहीं बनाने वाले ट्राई नॉट टू लाफ का पार्ट 4। मगर क्यों? आज हम तेरा फोन चेक करेंगे पब्लिक के सामने। कब करा हुआ पहले? अच्छा, पहले जब फोन चेक करा था तो पूरा साफ करके आया था, मुझे बताया मेरी दादा। निशु के पास आने से पहले, इस वीडियो को बनाने से पहले अपना फोन साफ करके आया था, क्योंकि असली जो वीडियो है ये है निशु के फोन को चेक करने के लिए। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो इसका कवर, देखो इसका आधा सेव जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि पूरा खाने की औकात नहीं है इसकी। तो ये मैं नया कवर लाया था अपना, ये बढ़िया वाला, ये लोग इससे चढ़ते थे, इन्होंने इसके ऊपर एप्पल की पत्ती तोड़ दी जानबूझ के। अब सच क्यों नहीं बताते? नहीं, इसने खरीदा ही आधा है, समझा गए? अच्छा नहीं लगता। चलो, मेरे बहुत जानने वाले लोग हैं दुनिया में, मत दे फोन। इसकी मम्मी पापा से मेरा अनुरोध है, कृपया ये वीडियो ना देखें। यही बंद कर दें। अगर मेरे परिवार से कोई वीडियो देख रहा है या मेरे जानने वाला कोई देख रहा है तो वीडियो बंद कर दें। सबसे पहले जाकर चेक करते हैं क्या हमारा नाम पे कुछ लाल दिल आया है या नहीं आया है। NISHU। तो मेरे नाम के साथ इसने टट्टी लगा रखी है, पहले भी लगा रखी थी, कुछ चेंज कर दिया कर। तेरे पुराने नंबर पे दिल लगा रखा था, पर तूने उसके बाद ऐसी हरकतें करी कि मैंने टट्टी लगा दी नए नंबर पे। ये देखना, निशबू लिखा हुआ था उस पे। तो तूने अब ये सब खोला है आज, अब तू खुलने दे। किस किस से इसकी आजकल बहुत ज्यादा बातें हो रही है? कॉल पे? हाँ, कॉल पे। काम की बात होती है? काम की बातें होती है। मैं देखती हूँ किससे बातें करता है। मुझसे हुई है, उसके बाद रैंडम नंबर है, कोई अंकुर तरुण है उससे बात हुई है, कोई गीत है, कोई रोशन शर्मा, कोई गीत है, गीत दोस्त है मेरी, यश या कोई। तो इसके तो बहुत रैंडम नंबर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, पता नहीं काम के लोग मुझे कॉल करते हैं ऐसे थोड़ी ना, दिन रात यार दोस्तों को फोन करूंगा बस। तो अब देखते हैं इसके फोन में ऐप कौन कौन सी है। देख ये फंस गया गाइस, इसके फोन में ये है कोई ड्रॉइड कैम, ये क्या है? इससे वो कैम वेब कैम चलता है कंप्यूटर पे। ब्लिंकिट से राशन मंगवाता है तू? हाँ मंगवाता हूँ, क्या हो गया? और कोई हैप्पी लाइटिंग, ये क्या है? ये गाड़ी की लाइटिंग का है। अरे गाइस, H&M है, मिंत्रा है, इसके फोन में जारा है। पैसे तो तेरे पास है नहीं खरीदने के। देखते रहता हूँ कब सेल आएगी, मैं गरीब हूँ। माई जियो है, अर्बन कंपनी, ये मसाज वगैरह कराने के लिए कभी कभी। अभी यार अपना काम करना, ठीक है? और यहाँ पे आते हैं, ये कोई फाइनेंस का सेक्शन है, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। पैसा कहाँ है भाई? ऐप डाउनलोड करके रखी हुई है कि खुद को दिलासा दे सकूं कि हमें पास भी थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा सबको जो कोई मेरा फोन चेक करे तो उसको लगे कि लड़का कोठी बंगले वाला। अभी पता चल जाएगा गाइस, अभी इसका पेटीएम चेक करते हैं कि इसके पेटीएम में कितने पैसे पड़े हैं। ये सब कौन दिखाता है पेटीएम में कितने पैसे पड़े हैं? बैलेंस एंड हिस्ट्री। पेटीएम बैलेंस देखो इसका, पेटीएम बैलेंस जीरो नल। अल्लाह, पेटीएम वॉलेट का है, बैंक में है वैसे तो। अच्छा बैंक में है, अभी चेक कर लेते हैं पेटीएम बैलेंस जो है, बैंक है जो, उसका भी चेक कर लेते हैं। इसने एक 50,000 रुपए की अपनी बेटी की शादी के लिए एफडी करा रखी है। बर्थडे के लिए है मेरे, अगले साल के, अगले साल के बर्थडे के लिए 50,000 रुपए की एफडी। अब गाइस चेक करेंगे इसका व्हाट्सएप। मेरे फोन में नहीं निकलेगा कुछ, अपनी तरह तेरी तरह समझ रही है क्या? मैं देख लूंगी ना, खुद देखूंगी मैं, आर्काइव में चेक करूंगी। आर्काइव में कुछ भी नहीं होता, पर्सनल होता है यार ये। ओ, मेरे नाम के आगे टट्टी लगा रखा है, और श्रेया के नाम के आगे दिल लगा रखा है, और एक फायर वाला इमोजी लगा रखा है। लगा दिया जल्दी जल्दी में, सेव करा था नंबर। जल्दी जल्दी में दिल लग जाता है नाम के आगे। दिल और आपका क्या कनेक्शन है? तेरे दिल में आग लगा रही हो? कुछ बातों के जवाब नहीं होते, बड़ा हरामी हो। अब देखते हैं श्रेया की चैट, क्यों देखते हैं किसी की चैट, देखते क्या लिख रहा है। चैट नहीं देखते ब्रो किसी की, उतने ऊपर से बिल्कुल नहीं देखते। अरे रुक जा भाई, सबर कर। कोई नहीं दोस्त, तुम एग्जाम से फ्री हो जाओ फिर बनाएंगे मस्त। क्या बनाने की बात कर रहा है ये? बड़े रिश्ते बनाना।
ओ नीचे है कोई प्रियल फॉर कॉइन फ्लेंस, पता नहीं कौन है, प्रियल है कोई, कोई लड़की है जो प्रियल, इसकी चैट चैट काम की बातें होती है उससे बात। देखते हैं यहाँ से, देखते हैं। ठीक है, फिर लिखा लिसन, उसने बोला यस, तो उसने जिसने रिप्लाई नहीं किया तो उसने कहा हाय, तो उसने कहा इसका मैसेज गए क्लब जाओगी आज, तो लिखा होम टाउन में हूँ, तो कहता ऑल राइट। कभी कभी आदमी जाता है पार्टी वार्टी करने, यार क्या हो, वो कैसे काम की बात होती है उसकी। ये कौन सी काम की बात है जो पूछ रहा है क्लब जाओगे आज, कौन सा काम क्लब में होता है, हम तो कभी क्लब में काम करने नहीं गए। मीटिंग वगैरह होती है, बिजनेस। कौन सी मीटिंग, धुप धुप के बीच में कौन सी मीटिंग होती है भाई, सारे परिवार की चैट खोल दे, घर में क्या क्या दिक्कतें चल रही है, राशन खत्म हो रहा है, ये सब भी यहाँ दिखा दिया ना। पापा से देखती, पापा से, अरे पापा से दिखा दिया, पापा की चैट कौन देखते हैं भाई। पापा ने एक साल पहले हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज कर रखा है, उसके बाद इसने कहा हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर पापा, वी लव यू। यार क्या हो गया पापा को, इसने लिखा वी लव यू, फिर उसके बाद एक और पापा ने बोला हैप्पी न्यू ईयर, उसके बाद 2022 का हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजा। मैं पापा से हैप्पी न्यू ईयर पे मैसेज करते हैं। गैलरी में क्या होता है, फोटो होते हैं, फोटोज देखेंगे इसके फोन में कौन कौन सी फोटोज है। गाइस बहुत पुरानी फोटो है, ये जो फोटो है ये है इनकी गैलरी में, आप देख सकते हैं। अरे बहुत पुरानी फोटो इनके है, इनके संबंध थे किसी से। अरे मैं बहुत पुरानी फोटो में दोस्त के साथ गोवा गए थे जब हम, राजा जी। और गाइस इसने जारा के एक कोट की फोटो ले रखी है H&M के, जिसको खरीदेगी इसकी औकात नहीं है, पर फोटो खींच के रख लेता है कि यही सेम बनवाऊंगा दर्जी से कपड़ा लेके, दर्जी को यही सेम कपड़ा दूंगा, बोलूंगा H&M जैसा बना दे, और तीन जगह चार जगह चिट लगा दिया H&M H&M की। अब बात करते हैं इसके फोन के सबसे ही डार्क डीपेस्ट गंदे और रहस्यमयी फीचर पे, वो है गूगल सर्च। कुछ नहीं सर्च करता मैं, काम वाम की भी सर्च करता हूँ कि सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, न्यूज वगैरह देखता हूँ। सबसे पहले इसने सर्च किया हुआ है अलीपुर मोरना न्यूज, ये मैं अपना देखता हूँ, मेरे गांव में कुछ हो तो नहीं रखा, तो ये अपने गांव की खबरों के लिए अपने वो तेरा गांव आता है मैप पे। ओके, अब नेक्स्ट इसने सर्च कर रखा है आइल्स, बोला भी नहीं जा रहा, मैं एटलस पढ़ने वाला। ये आइल्स क्या होता है, वो जो इंग्लिश की पढ़ाई होती है, आइल्स एग्जाम होता है विदेश जाने के लिए, तो मैं देख रहा था एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं। तू ये सब देख, रामपुर नागपुर ये सब कैसे जाया जाए, मधुबनी ये सब कैसे जाया जाए, ये सब छोटी छोटी जगह जो है विदेश क्यों नहीं जा सकता, मैं पढ़ा दिखाऊँ कहाँ है। अरे मैं देख रहा हूँ कि कहीं कॉलेज में एडमिशन हो जाए, वहाँ से वो मिल जाए स्कॉलरशिप, तो मैं चला जाऊँगी, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी वीडियो व्यूज आने बंद हो गए। मोटिवेशनल कोर्स, पहले विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, अब मोटिवेशन, मोटिवेशन चाहिए ना विदेश जाने के लिए। तुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू हार, तुझे ये बोल रहा हूँ तू कर सकता है, तू करेगा। आईएलटीएस क्लियर करने के लिए मोटिवेशन तो चाहिए, ऐसे आएगा मिम्मू पर ये करके मोटिवेशन आएगा। उसके बाद है इसने सर्च किया बेस्ट चिल्ली पोटैटो नियर मी, कभी कहते हैं मैं मार्केट जाती थी कहते नीचू आते हुए मैंने टिक्की ले आई हो, कभी चिल्ली पोटैटो खाता है तो क्या करते इस बार तो खाना कितना चटपटा खाता है यार, आदमी को ये तो मार देगी भाई, इतना सब चीज बना रही है चिल्ली पोटैटो ऑर्डर किया गया है, जैसे कहते हैं ना उसमें CID में दया यहाँ पे खून हुआ है, मतलब किसी ने कत्ल किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसने सर्च करा हुआ है स्विट्जरलैंड पैकेज फ्रॉम दिल्ली, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे, ना तो इसके पास पैसे ना इनने कोई ढंग की पढ़ाई पढ़ाई करी, मिम्मे ये देखता है, मिम्मे ये करता है, इसको बाहर विदेश पढ़ने भी जाना है, स्विट्जरलैंड का पैकेज ये देख रहा है, ये मैंने एक इन्फ्लुएंसर को देखा था, वो स्विट्जरलैंड जा रहा था, मैंने देखा उसका कितना खर्चा आ रहा है, चिल्ली पोटैटो नियर मी देख तू, स्विट्जरलैंड का पैकेज मत देख, तेरी गेम से तो बहुत ही बाहर है। फिर इसने ओनली फैंस क्या होता है, ये ओनली फैंस एक वेबसाइट थी, मैं देख रहा था कि उस पर क्या रहता है कैसे रहता है, मैं देख रहा था ओनली फैंस क्या होता है, मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी YouTube पे ओनली फैंस से, तो मैं देख रहा था ओनली फैंस। गाइस कमेंट करके मेरे को बताओ ओनली फैंस क्या होता है। अरे ओनली फैंस वो लोग अपने जो खास फैंस होते हैं उनके साथ वीडियो बनाते हैं। तू है ओनली फैंस पे? नहीं मैं देख रहा था ओनली फैंस जो होना चाहिए। पहले ओनली फैंस देख लिया,
और अब पूछ रहा है गूगल से कि काम में मन कैसे लगाऊं, गूगल भी तेरे चप्पल फेंक के मारेगा। अरे मैंने जब ये देखा जा रहा था ओनली फेंस तो मैं थोड़ा भटक गया अपने पद से जो मेरा गोल है, तो फिर मैंने वापस देखा काम में मन कैसे लगाएं। अब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, इसका स्क्रीन टाइम देखो 15 घंटे 32 मिनट इसने फोन चलाया है, पूरा 15 घंटे और 32 मिनट इस आदमी ने फोन चलाया है बुधवार को। बुध को है कि वीक को? बुधवार कल का नहीं है ये, आज का ही है। आज का ही, अभी तो दिन बचा है वो सारा। तो जिसमें से 11 घंटे इसने नेटफ्लिक्स देखा है, वीडियो इसीलिए नहीं बन पाता मेरी। YT स्टूडियो जिसपे उनको अच्छे से ध्यान देना चाहिए, जो जिनसे इनकी रोटी चलती है, इनके घर महीने में 2 बार पनीर बनता है YT स्टूडियो से। YouTube स्टूडियो जहाँ पे एनालिटिक्स होते हैं YouTube पे क्या अच्छा हो रहा है, आपके चैनल पे क्या बुरा, वो इन्होंने सिर्फ 11 मिनट चलाया। वेल डन, आप देखेंगे कि YouTube पे ये क्या कंटेंट देखता है। भाई कुछ नहीं देखता, नॉर्मल जो सब देखते वही देखता हूँ। ये आगे इनकी हिस्ट्री सब यही देखते हैं। इन्होंने देखा हुआ बिग बॉस, स्नीक पीक, फिर नीचे आए तो वहां पे भी देखा अर्चना और एमसी स्टैन की हुई पर्सनल लड़ाई, बिग बॉस, बिग बॉस स्नीक बहुत देख रहा है। बिग बॉस देखता हूँ, उसमें क्या गलत है? कंटेंट नहीं देख रहा कि क्या बनाऊ अच्छा, बिग बॉस देखता है ये बालिका मधु, बिग बॉस, अनुपमा, ससुराल सिमर का ये सब देखता है। अनुपमा नहीं देखता यार, अनुपमा बिग बॉस और नागिन देखता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस अब चेक करेंगे इसका इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे ये क्या हरकत करता है, किससे मैसेज पे बात करता है इंस्टाग्राम पे, कुछ बात नहीं थी। ओ उसको लिखा है क्यूटी, देवी जी को लिखा है क्यूटी, तो क्या हो गया क्यूटी लिख दिया तो? अब है कोई मिनी, मिनी से क्या बात करी है? अरे वो मैंने कल वो डाल दिया था ना तेरा डंजो वाला स्क्रीनशॉट्स में, तेरा एड्रेस लीक हो गया, ये वही बता दिया गया। अबे तू पागल है क्या? कोई कशिश है, कशिश की चैट देख रहे हो गाइस, उसकी स्टोरी पे कैसे आग भेजा जा रहा है, या इमोजी को आग बताती है और वो कैसे मुंह पे दिल भेज रही है, देखियो कैसे गहराई में जा रही है इस तरह। ये कौन है? सनाया सुराना, देख रहे हो सानिया सुराना को भी आग भेजी है स्टोरी पे, सबको आग बता रहा है, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, मेरे अंदर बहुत आग है, अपनी आग निकाल रहा है। अब देखते कि इसके सेव क्या क्या कर रहा है, पहले खोलने दे, रुक जा, समझा कर ले पहले, अरे मैं वीडियो वीडियो बनाई नहीं था, देखने दे गाइस, ये अपना फोन लेके भाग गया है क्योंकि ये अपना इंस्टाग्राम सेव नहीं दिखाना चाहता, उसमें ये बहुत गंदी चीजें सेव करता है, तो इसलिए ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पे कमेंट करना निशु आप से, और गाइस सब्सक्राइब कर दो, अब मैं नहीं बनाऊंगा बैठने वाली वीडियो 11 घंटे मैं नहीं चलाऊंगा नेटफ्लिक्स, अब अगली वीडियो से बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, मीम में नहीं आई, और क्योंकि मुझे पता कर अगली बार मीम बनाने बैठा ही फिर ये हरकतें करेंगे।